हे गाइस, दिस इज आर्यन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग इस 20 रुपीज वाटर कलर का यूज करके क्रिसमस पे ड्राइंग बनाएंगे। और जहां तक मुझे लगता है, आप सभी लोगों ने इस कलर का इस्तेमाल कभी ना कभी जरूर किया होगा, तो इसीलिए और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग एक सिंपल सा ड्रॉइंग बना लेना, क्योंकि बाद में कलरिंग करने में आसानी होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक मास्किंग टेप चिपकाएंगे मून का एरिया छोड़ने के लिए, क्योंकि हम लोग एक नाइट सीनरी क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स वाई। एंड गाइज, आप लोग जो भी कलर बनाओगे ना, उसे पहले एक दूसरे पेपर पे कलर करके देख लेना, क्योंकि बहुत बार कलरिंग में गड़बड़ हो जाता है इसी कारण से। सबसे पहले हम लोग स्काई से पेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ब्लू में हल्का सा ब्लैक यूज़ किया हूँ, क्योंकि नाइट सीनरी के लिए हम लोग को बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क ही रखना है। मून का आसपास का एरिया में वाइट कलर को अच्छे से मर्ज करना है, इससे लगेगा कि मून थोड़ा ग्लो कर रहा है। इसके बाद नीचे के एरिया में मैं ग्रीन में थोड़ा सा ब्लू और थोड़ा सा ब्लैक यूज किया हूँ। इसके बाद स्नोफॉल बनाने के लिए आप लोग दो ब्रश लेना एंड कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल करते जाना। इससे क्या होगा, आपका जो स्नोफॉल का साइज रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा। दूर का ट्रीज वगैरह बनाने के लिए आपको जस्ट जिगजैग पैटर्न बनाना है, वो आपका ट्री का काम कर देगा। और घर मुझे ब्राउन कलर का बनाना था, तो मैं ब्राउन का दो तीन शेड यूज़ किया हूँ। लाइक डार्क ब्राउन बनाने के लिए ब्राउन में ब्लैक, और फिर नॉर्मल ब्राउन, एंड फिर खिड़की दरवाजे के एरिया में ब्राउन में हल्का सा येलो मिला दिया हूँ। इसके बाद आप लोग खिड़की दरवाजे पे कुछ डिटेल्स वगैरह ऐड कर देना, जैसा भी आपको पसंद है। सामने का ज़मीन बनाने के लिए पहले आपको पेपर को गीला करना पड़ेगा, ताकि आपका कलर स्मूथली फैल पाए। इसलिए स्नोमैन को छोड़ के बाकी जगह आप लोग गीला कर लेना। इसके बाद स्नो बनाने के लिए मैं ब्लू में हल्का सा वाइट कलर मिलाया हूँ, एकदम ही सॉफ्ट इफेक्ट लाने के लिए। स्नोमैन में आपको ओनली शेडो वाले एरिया में ही कलर करना है, और इसके बाद वाइट यूज़ करके इसे स्मूथली मर्ज कर देना है। और आपको जैसा भी पसंद हो, आप स्नोमैन को डेकोरेट कर सकते हो। स्नोमैन का शेडो बनाना बिल्कुल मत भूलना, इससे ये पता चलेगा कि आपका मून जो है वो एक्चुअल में ग्लो कर रहा है। इसके बाद एक ड्राई ब्रश लेके जमीन में आपको कुछ इस तरीके से पैचेस वगैरह बना देना है। थोड़ा लाइट येलो आपको घर के आसपास से अप्लाई करना है, घर में जो लाइट जल रहा है वो आसपास रिफ्लेक्ट करेगा इसके लिए। इसके बाद सैंटा और रेंडियर को आपको पूरी तरीके से फिल कर देना है ब्लैक कलर से, इसमें और कुछ नहीं करना है। आप लोग और ज़्यादा डिटेल्स के लिए सूखा पेड़ वगैरह बना सकते हो। एंड फिर फाइनल डिटेलिंग के लिए आप लोग वाइट कलर से कुछ स्नो वगैरह बना सकते हो, लाइक घर के ऊपर या फिर पेड़ के ऊपर भी बना सकते हो। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।